सर हमने चेंज करने के बारे में कहा था कि चेंज कर सकते हैं, तो इसमें क्वेश्चन है लिखा हुआ है वो कैसे जाने, जो लिखा हुआ है वो कैसे जाने और बदला जाने वाला कैसे पहचाने। लिखा हुआ कैसे जाने, बदला जाने वाला कैसे पहचाने, कोई जरूरत नहीं जानने पहचानने की, जो अपने आप होता ही चला जा रहा है और आपका बस नहीं चल रहा, वो सारा लिखा हुआ पे ठोक दो। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब पे लगे रहो, कर्म कर्म करना कैसे है वो ही बात करते हैं हम। तो सर एक क्वेश्चन है, जब हम बात कर रहे थे कि सेल आपस में लड़ते हैं, तो उस पे क्वेश्चन है खुद को क्षमा करने से ये सब सेल एक हो जाते हैं। हाँ, जब सेल आपस में लड़ रहे हैं और बीमारियां आ रही हैं, तो जैसे खुद को क्षमा करोगे उस टाइम सेलों में लड़ाई बंद हो जाती है और बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए दूसरे को क्षमा करना, खुद को क्षमा करना ठीक होता है। अपनी फैक्ट्री को क्षमा करो, खुद को क्षमा करो। हम खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं, साला मैंने ये क्यों सोचा, अब तो ज्ञान हुआ जाके फिर मैं ये सोच रहा हूँ, क्षमा कोई बात नहीं, जा माफ किया, खुद को माफ कर। परमात्मा से माफी मांग कर सकते हैं, पूछ रहे हैं, परमात्मा कहीं बाहर है नहीं, खुद से माफी मांग लो बहुत है। हाँ जी सर, एक तो आप बोलते हैं कि ईश्वर के ऊपर छोड़ दो सब, दूसरी बात आती है कि ईश्वर को कमांड करो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि पहले कहते हैं हम ईश्वर पे छोड़ दो, फिर कहते हैं ईश्वर को कमांड दो। और सर जब हम ईश्वर को लेट सपोज कमांड देते हैं, मन से में एक हल्का सा वो आता है, होएगा नहीं। हाँ कह रहे, और लेकिन जब हम ईश्वर को कमांड देते हैं तो मन से आता है होएगा नहीं ये। इसको आप इस तरह जान के चले कि अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन क्रोध के अंडर है तो आपकी जिंदगी क्रोध चला रहा है, अगर आपके कॉन्शियस ब्रेन ईर्ष्या के अंडर है तो जिंदगी को ईर्ष्या चला रही है, अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन लोभ के अंदर है तो लोभ जिंदगी को चला रहा है, अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन आपके अंडर है तो आप साक्षी भाव में हो। कॉन्शियस ब्रेन को देख पाना कि मैं क्या सोच रहा हूं, ये हमारा साक्षी भाव सर देखने वाला। अगर कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस के अंडर है तो काम सोचते इंसान सोचेगा तेरे बस की तो है नहीं साले, करेगा कैसे, अंदर से आवाज अपने आप आएगी। लेकिन थकावट बहुत होगी बार बार ये कॉन्शियस रहना कि अच्छे ये सोचा अभी ये सोचा, थकावट बहुत परफेक्ट के ऐसा बार बार अगर सोचा तो थकावट बहुत होगी, उसके लिए हमें ऊर्जा समझनी पड़ेगी, ऊर्जा को समझेंगे हम, अभी ऊर्जा की बात करते हैं हम। और आनंद की कब करेंगे, आनंद की बात ये भी हमने इसमें डाल दी। ओके, अगला संगत की बात हुई थी तो उस पर क्वेश्चन है, यूट्यूब पे हम जैसे वीडियोस देखते हैं क्या वो भी संगत की तरह काम करती है? ये कह रहे हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं क्या वो भी संगत की तरह काम करती है, वहाँ अकेले व्यक्ति की संगत चल रही है, एक ही आदमी बकवास कर रहा है, अगर उसको भी आत्मून फॉलो कर लिया तो बहुत है। ये होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास करके देखो सबकॉन्शियस ऑफ हो जाता है, अंधविश्वासी व्यक्ति का सबकॉन्शियस ऑफ होता है, रीजनिंग खत्म होती है। इसलिए अगर अच्छा अंधविश्वास हो गया रॉकेट बन गए, बुरा अंधविश्वास हो गया तो धरती में गड़ गए। इसलिए मकसद है फॉलो, फॉलो करना बहुत भारी ताकत लेता है। कोई अलग अलग चीजों को क्या होता है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, हर चीज मतलब उसमें उलझ लग जाते हैं, क्योंकि किसी को फॉलो करने का मतलब है कि अपनी दिमाग चलाना बंद कर दिया। भाई गाड़ी तू चला ले और दूसरे को गाड़ी चलाने हम देते नहीं, हमें विश्वास ही नहीं होता उस पर। इसलिए ईश्वर हमारी गाड़ी चला देगा उस पर विश्वास जिस दिन हो जाए, हमें हम कोसना कुड़ना रोना पिटना बंद कर देते हैं और कॉन्शियस ब्रेन अनकॉन्शियस के साथ सिंक हो जाती है। इस चीज को आप बढ़िया से समझ लें, ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, ये हमारा सबकॉन्शियस है और यह हमारा अनकॉन्शियस है, ये हिस्सा पूरा अनकॉन्शियस है, ये हमारा सबकॉन्शियस है और ये कॉन्शियस ब्रेन है। ये सिग्नल देता है ऊपर वाले से, कॉस्मोस से, हम अपने सिर के द्वारा ही सारा कुछ करते हैं ना, सुनना सोचना बोलना समझना दिमाग लगाना सब कुछ यहीं से करते हैं। तो ये है जो ऊपर वाले से कॉस्मोस से तार जोड़ के रखता है, हमें ना ऐसा लगता है वैसा लगता है, हमें ऐसा लगता है हमें वैसा लगता है, कुछ भी लगता है। ये हिस्सा दिल अपने आप धड़कता रहता है, लिवर अपने आप काम करता रहता है, किडनी अपने आप काम, ये चलते ही अपने आप ही चल रहा है। सबकॉन्शियस जैसा फीड कर दिया, नॉनवेज पचाने लायक कर दिया नॉनवेज पच जाएगा, वेज पचाने लायक कर दिया वेज पच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमारे बॉडी में हम अल्कोहल लेते हैं तो बॉडी के ब्रेन को पता है अल्कोहल आ रहा है, लिवर खाने को रोक देता है और कहता है पहले दारू आने दे इसे फिल्टर करो। हम सोचते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन ने क्या गंदी बात है, दारू तो नहीं पीनी चाहिए। कॉन्शियस ब्रेन ये कहता है जो साथ बैठा लोगों के बीच, आज तो दोस्तों ने पिला दी यार, बढ़िया किया यार, मजा आ रहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस कह रहा है गंदी बात पिछले 20 साल से बताया गया लिवर खराब करती है। लिवर पे जाके दो ऊर्जा काम करती है, पहले तो दारू की पदार्थ के तौर पे जो चिज्जी है वो कह रहा है पचानी है भाई पचा देंगे, और ऊर्जा के तौर पे एनर्जी के तौर पे वो कह रहा है ये तो गंदी बात है,
और ऐसे वो वाला शराब आपके लिवर पे लोड मारती है। इसलिए ये ब्रेन सिंक करनी बहुत जरूरी है, पुराने नॉनसेंस संस्कार भुलाने बहुत जरूरी है। ये भूलने की शक्ति आएगी नाभि से, ये नाभि चक्र है जहां भूलने की शक्ति आएगी। भूलोगे यहां, ये है नाभि और नाभि है विल पावर। भाड़ में जाए वाले व्यक्ति को बहुत आसान होता है सबकॉन्शियस को बाईपास करना। भाड़ में जाए, जो सोच रहा है मन सोचता रहे, जो खोपड़ी में आ रहा है आता रहे, जो मुन्ना कहता है दफा कर साला, कोई लेन देन नहीं है मुझे, और आपका ये इससे सिंक हो जाता है। आपके सामने शेर आ गया, पैर क्या होंगे, पैर जड़ हो जाएंगे, अनकॉन्शियस, क्या करना है पता ही नहीं। आपको पता होना चाहिए भाग जाओ, अगर आपको पता है भाग जाओ छुप जाओ, अगर आपके सामने शेर आ जाए पैर जड़ हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं करना क्या, पेट मल छोड़ देगा। अगर आपको पता है शेर आया है दिमाग चल रहा है तो कुछ नहीं होगा, आप रास्ता निकाल लोगे, हो सकता लड़ भी लो। सोचिए कॉन्शियसली कितने ताकतवर होंगे ऐसे लोग जिन्होंने शेरों से लोहा ले लिया, शेर के पास गए, शेर ने कहा मैं तेरा खून लूंगा, उससे उल्टा उससे सौदा करा, लोहा लिया, दो लेंटर लगा लिया घर के, उससे कितना कुछ जान गए। अब ये किसने प्रोसेसिंग करी कि लेंटर की बात कहां से आ गई बीच रास्ते में, लोहा लेंटर के काम आता है, किसी ने नहीं की, कौन करेगा, हम ही करेंगे। अगर ये फास्ट है ब्रेन आपका तो पिक करेगा, ह्यूमर को पकड़ेगा और कहेगा हाँ ठीक है यार मस्त है। ये आपके कॉन्शियस ब्रेन के प्रति कॉन्शियसनेस होनी जरूरी है, चैतन्य होना जरूरी है। चैतन्य कैसे होगा मनुष्य, चैतन्य तब होगा जब उसकी बुद्धि चलेगी। बुद्धि, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने कॉन्शियस ब्रेन को अनकॉन्शियस से सिंक कर सकता है, और बिना हथियार उठाए, बिना इसका कोई भी काम किए, इस बुद्धि से पूरे युद्ध को कृष्ण जिता सकता है। इसे कहते हैं बैठे बिठाए अपने आप काम कैसे हो रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। करोड़ों अरबपति क्या करते हैं, ईश्वर काम करता है उनके लिए, क्योंकि उनके बीच में कोई उल्टी पुल्टी नेगेटिव पॉजिटिव कमांड्स नहीं होती। हमारे शरीर में ये शरीर का कोष है स्थूल काया, फूड शीट जो खाना खाके बनी, उसके बाद हमारी प्राणमय कोष। प्राणमय कोष में हमारा मन रहता है, चित्त रहता है, अहंकार रहता है। मनोमय, प्राणमय, मनोमय कोष में हमारा जानकारी रहती है हर चीज की। कोषों ये फूड शीट है, प्राणमय है, मनोमय है और विज्ञानमय। विज्ञानमय कोष यहाँ काम करता है, मनोमय यहाँ चलेगा और प्राणमय यहाँ चलेगा नाभि पर। जो विज्ञानमय कोष है गला, यहाँ हमारी बुद्धि रहती है जिससे हम सही गलत अच्छा बुरा का फैसला कर सकते हैं। प्राणमय कोष है, इसके पास हमारे पांच सेंसेस है, वो बॉडी पार्ट्स है, कर्मेंद्रिया, हाथ पांव, गुदा स्थान, यूरिनरी और शरीर। सर वहां पे फोटो लगी होगी, वहां पे चलो इसी में मोटे तौर पर बुद्धि पे आना है हमें। जो मनोमय कोष है उसके पास आंख है, कान है, नाक है, गला है, स्पर्श है, ये पांच ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया। जो विज्ञानमय कोष है इसके पास बुद्धि है, बुद्धि रहती है यहाँ। आपकी बुद्धि जब चल रही है ना तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आपको स्थित रहना है बुद्धि में। बुद्धि में स्थित रहने का मतलब है कि ना आपके मन में कोई अहंकार है, ना कोई मन चित्त और अहंकार। एक फोटो इसकी बना देना वैसे अच्छा रहेगा आगे के लिए ना। ये सारे एस्ट्रल बॉडी, ये तीनों एस्ट्रल बॉडी है, ये नाभि के ऊपर है, ये हृदय के चक्र पे है और हमारे गले पर है। ये एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर का केंद्र है सारा। ये तीनों ना मन है, ना चित्त, ना अहंकार, ना हम क्रोध में रहते, ना पुरानी कोई यादों में रहते, ना कोई फालतू का कलेश दिमाग में रहता। तो हमारी बुद्धि चलती है, बुद्धि का मतलब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। इस बुद्धि की बात करिए कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा के। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है, विजडम, प्रज्ञा इज विजडम। कृष्ण ने आखिर में अर्जुन को कहा है कि स्थित प्रज्ञ रहे, अपने प्रज्ञा में, अपनी जानकारी में रहे कि तेरा जीवन में तू कहां बैठा है, तू क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, हो क्या रहा है। तू यादों में चला गया, मामा ये करेगा, चाचा वो करेगा, भाई मर जाएंगे, तू भविष्य में चला गया, हाय मेरे कोई मर जाएगा, रिश्तेदार है, पिता में है, इन दोनों को छोड़ दे। जब तू बुद्धि में स्थित है, प्रज्ञा में स्थित है, अभी में स्थित है, तो तेरा सबकॉन्शियस ऑफ हो जाएगा, कोई लेन देन नहीं, कोई रुकावट नहीं, और सारी ऊर्जा इकट्ठा काम करेगी। ऊर्जा, तीन ऊर्जा हमारी कितनी ऊर्जा थी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये तीनों ऊर्जाएं हमारी एक साथ काम करती हैं तो हमारे पास 100% ताकत है। यानी कि मेरे सबकॉन्शियस में कोई नो नकूर, अच्छा बुरा, गंदा सही गलत
ये संज्ञा मैंने खत्म कर दी, और जो मैं देख रहा हूं वो मैं जान रहा हूं कि मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे रिएक्शन नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, लीला चल रही है। तो अनकॉन्शियस कॉन्शियस सबकॉन्शियस तीनों एक साथ 100% काम करेंगे। हमारे जीवन में दुख क्या है, ऊर्जा की कमी होना, सुख क्या है, ऊर्जा भरपूर होना, आनंद क्या है, ऊर्जा उबल रही है। पर ये ऊर्जा हमारे पास आई कहां से, सारे पैसे मेरे पास ही है, आनंद में बढ़ती है, बांटनी नहीं पड़ती, फूल की खुशबू अपने आप जाती है, फूल कुछ नहीं कर रहा, आपके सारे पैसे आपके पास अपने पास ही हैं, तो क्या करोगे, पार्टी करोगे, मजे करोगे, ऐश करोगे, और क्या, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपने सारे पैसे बांट दिए फिर क्या करोगे, रोटी खाओगे, खत्म। आपने अपनी ऊर्जा अपने पास रखी, ना आपने मुन्ना को दी, ना नफरत को दी, ना क्लेश को दी, ना अहंकार को दी, आपको शिकवे शिकायत ही नहीं है। जिसने जो गलत किया सही किया उसका कर्म भाड़ में जाए, साला भाड़ में जाए, भाड़ में भेज दिया, आपकी ऊर्जा आपके पास है। आपने किसी को भी कोसना बंद कर दिया, किसी के लिए भी लड़ना बंद कर दिया, अपना दिमाग यूज ही नहीं करते। जब आप अपना दिमाग किसी के लिए यूज ही नहीं कर रहे तो आपका दिमाग आपके पास है, आपका अक्सर वर्ड होगा पता नहीं करना क्या है, जान के क्या सोचना है इस बारे में, इस पे क्लास है पता नहीं, फालतू बातों के अंदर खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। तब आप कहीं बेपरवाह बन पाओगे, बेपरवाह इज इनडिफरेंट, आपकी स्थित प्रज्ञ स्थिति होगी। अर्जुन जिस समय स्थित प्रज्ञ हुआ कि अपनी प्रज्ञा में स्थापित हो, मुझे क्या करना है, मुझे ये समझ आ गया, मुझे कृष्ण के पीछे बैठना है, क्या सही है क्या गलत है सब खत्म हो गया, अच्छी बात क्या है गंदी बात क्या है सब खत्म हो गया। आप महाभारत का युद्ध जीत जाओ। आपको खबर आती है, फोन करता है बच्चा, हेलो पापा ये हो गया, इस साला ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसने ये कर दिया उसने वो, सब लीला है, कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी बीवी सुनती ही नहीं है, लीला है, तुम्हें समझानी नहीं आई। शुरू में 0 to 14 आप अगर समय लगा लें तो 18 महीने का समय लगा के चलते हैं, 3 महीने से 18 महीने, इसके अंदर अंदर जो पत्नी आपने बना ली वो पूरी जिंदगी के लिए बन गई, जो पति आपने बना लिया पूरी जिंदगी के लिए बन गया। अब शुरू में ही आपने कह दिया तेरे तो लाड करेंगे लाडो रानी, तो लाडो रानी लठ लेके भागेगी पीछे आपके बाप में कि साले तो लाड क्यों नहीं करता, फिर वो गई। आपको शुरुआत में ही कुत्ते को टेम करना है, शुरुआत में ही घोड़े का सवार बनना है, बाद में तो बिगड़ गया। अब आप बाद में कहते हैं हमने इतने लाड किए, इतना प्यार किया, गलत किया, आपने संस्कार में तो ये डाल दिया मजे करो, हम तो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं लाड करते हैं, बच्चे सिर पे डांस करते हैं। अल्टीमेट मुद्दा क्या है, आपकी ऊर्जा बिगड़ी उसकी ऊर्जा बिगड़ी। आपको सबकॉन्शियस ब्रेन को सेट करना है, ऊर्जा को समझ लो। ये बहुत प्यारी पेंटिंग है, विदेश में है ये, सचमुच में है, पेंटिंग नहीं है, वायर का स्ट्रक्चर है। ये दो लोग हैं उल्टे बैठे हुए हैं, ये दोनों शरीर से नाराज है, शरीर को कौन चलाता है, मुन्ना, मुन्ना कौन है, सबकॉन्शियस, उसको पालता कौन है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ब्रेन में हम सबसे प्रेम ही चाहते हैं, जैसे लड़ाई खत्म होती है सबकॉन्शियस ऑफ होता है, हम फिर इकट्ठा हो जाते हैं। ये दो बच्चे हैं, एक दूसरे से प्रेम से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, ये जुड़ना चाहते हैं, शरीर अलग हो गए, विचार अलग हो गए हैं, प्रेम खत्म। अगर ये दोनों एक साथ हो तो ये तो साथ हैं, शरीर साथ हो गए, क्या हुआ, 100% ऊर्जा आपके पास है, आपने अपने शरीर को तोड़ के मन को अलग कर दिया है। अचेतन मन, हम सब में ईश्वर है, अंदर से हम सब एक ही हैं, सब आत्मा है, उस परम तत्व का अंश वो अचेतन है, वो जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। आज जो आपका दुश्मन है कल आपका परम मित्र बन जाता है, और जो परम मित्र है वो दुश्मन बन जाता है। ये किसकी लड़ाई है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। अगर आप कॉन्शियसली जान लें कि यार ये अच्छा बुरा मानना है, ये प्रारब्ध होगा, लेन देन होगा, हम क्यों घुसे हुए हैं, क्यों इसको पानी दिए जा रहे हैं, क्यों बार बार करते रहते हैं, बच्चे के टांग खराब है, हाथ खराब है, बिजनेस खराब है, वो बंदा खराब है, क्यों पानी दे रहे हैं इसको, भूल जाओ, दफा करो साले को, भाड़ में जाए। मन पीछे पीछे बोलता रहता है तेरे बस की नहीं, भाड़ में जाए, आज से मैंने भूल दिया, छोड़ दिया, करना ही नहीं, अपना कर्म किया, बच्चे को चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, खाना खिलाया, किताबें लाके दी, पढ़े ना पढ़े उसकी मर्जी, ट्यूशन लगा दी और आशीर्वाद दिया, ये सबसे बड़ी काम की चीज। उल्टा मम्मी बैठ के बच्चे को कोसने बैठ जाती है, तेरे बस की नहीं, तेरे लेते पैसे खर्चे, तू नलायक है, ये सब काम कर रहा, ये आशीर्वाद जा रहा, बंद चुप चोच बंद, बच्चे से प्यार मत करो, कभी अपने बच्चे से प्यार मत करो, उससे नफरत मत करो, कभी किसी दूसरे साथी से प्यार मत करो, उससे ईर्ष्या मत करो, उससे क्रोध ना करो, आपको कोई जरूरत नहीं, हम तुझे इतना प्यार करते हैं, अगर प्यार करते हो तो नफरत हो ही नहीं सकती, प्यार आपने किया ही नहीं है, झूठ बोलते हो, इसलिए प्यार मत करो अपने बड़े बुजुर्गों से, उनसे नफरत मत करो, उन्हें कोसो कुढ़ाओ मत,
प्यार मत करो अपनी फैक्ट्री से, उससे कोसो मत, कुढ़ाओ मत, उसके आगे रोना पिटना मत करो। फैक्ट्री आप ही से बनी, उससे भीख मत मांगो। भगवान के पास जाए, हे भगवान मेरा काम ठीक चला दे, इसका मतलब खराब चल रहा है। सबकॉन्शियस में तो यही खराब चल रहा है। जिंदगी किससे चलेगी? सबकॉन्शियस से। और अंदर क्या चल रहा है? मन में फैक्ट्री खराब है, काम खराब चल रहा है, काम खराब चल रहा है। प्रभु जी ये सच्चाई, आप काम का काम खराब ही चलता रहेगा भले कितने माथे रगड़ लो। अब ये सच्चाई है तभी सबकॉन्शियस कह रहा है खराब चल रहा है, सही करना जा रहा हूं। अब इसको डायरेक्ट बाईपास कैसे करें? हाँ, जो सबकॉन्शियस कह रहा है वैसी ही फैक्ट्री चलेगी। इसको बाईपास करने के लिए फैक्ट्री को कोसना बंद करो कॉन्शियसली। सबकॉन्शियस जो आपको करा रहा है वो कर तो आप ही रहो ना, मुंह से बोल के, कान से सुन के, मिलकर जुलकर विचार कर, आज ज्ञान करो कि यार मैं क्यों कोसता रहता हूं, खत्म कर दी मैंने आज से। अंदर से वो कोस ही रहा है, बोले तू कोसता रहे, सेपरेट कर लो मुन्ना, बाईपास हो जाएगा। उसको ऑब्जर्व करो, तू कोसता ही रहता है, मैं अंदर बैठे साले गालियां बकते रहता हूं अपने भाई को, अपने मामा को, छोड़ो यार दफा करो। ये कॉन्शियसली सेट करना पड़ेगा। कॉन्शियस ब्रेन से ही आप इस सबकॉन्शियस को बदल सकते हो, क्योंकि कॉन्शियस से ही सबकॉन्शियस बना है। आज के बाद इस कॉन्शियस को बदलना शुरू करो, ये सबकॉन्शियस बदल देगा। ये ऊर्जा का भंडार है। आपके अंदर ऊर्जा कम हो गई या अलग अलग हो गए शरीर, आपको जीवन में दुख आ जाएगा। आपके शरीर मन सोच साथ इकट्ठी हो गई, आपकी ऊर्जा 100% हो गई, आप आनंद में आ जाओगे। दुख का मतलब ऊर्जा की कमी। और ऊर्जा कहाँ है हमारी? 10 जगह फैला रखी है, 20 यादों में फैला रखी है। सड़े बैठे हो किसी से, कलेश में हो किसी से, बहस कर रहे हो किसी से, खाने का स्यापा डाल रखा है, भजन किए जा रहे हो, मेरे तो सिर में दर्द ही रहता है, सर में दर्द ही रहता है। इसको भूल जाओ। कैसे भूलना है समझो, ये बहुत भारी प्रश्न है, ये आसान नहीं, मैं जानता हूँ। पिछली बार आपने क्लास में कहा था छोड़ना सीखना पड़ेगा। हाँ, छोड़ना सीखना, भूलना सीखना एक ही बात है। देखो, दवाई होती है एक मॉर्फिन, मॉर्फिन होती है, आइबुप्रोफिन होती है, ये एग्जांपल की बात है। ये पेशेंट है, ये पेशेंट मांगे राम रो रहा है, पिट रहा है, आंसू बहा रहा है, चाहे मैं मर गया, हाय मैं मर गया। उसकी बॉडी में पेन है, ठीक हो गया, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है वो है रोने का के दर्द है। अब ये भजन कर रहा है, इसका दिमाग दर्द है, दर्द है, दर्द है, हाय मर जाऊंगा। थोड़ी देर में भजन बढ़ गया, हाय मर जाऊंगा, उसके बाद और बढ़ गया, हाय सड़ सड़ के मौत होगी, हाय जिंदगी तबाह होगी। ये ब्रेन में सब कॉन्शियस में लगातार जा रहा है जिससे इसकी जिंदगी चलनी है। इसके पास 20 घंटे हैं बचने के, लेकिन इसने भजन कर करके बॉडी को 4 घंटे में मार देना है, ये मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हमेशा कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो रहा है। 2 घंटे बाद इसको इतना दर्द हो गया, इसने कहा मेरी टांग कट जाए भले, मैं तो बस क्या करूं, मैं तो इससे तो मौत ही आ जाए। बढ़ता जा रहा है सबकॉन्शियस, बढ़ता जा रहा है। और जो सबकॉन्शियस में बढ़ रहा है, अचेतन मन उस पे ड्रिलिंग कर रहा है कि ठीक है मार देता हूं। डॉक्टर मिल जाता है, ऐसे ऐसा ना यार दोस्त मिलते हैं वॉर में है, इसको लेके एक मॉर्फिन का इंजेक्शन ठोक देते हैं, इसकी बॉडी में मॉर्फिन का इंजेक्शन ठोक दिया। मॉर्फिन जाते ही इसका कॉन्शियस ब्रेन बॉडी से कट गया, इसे पता ही नहीं पेन है। ये पेन किलर नहीं है, ये पेन भुलाने वाली दवाई है। पेन भूल गया ये, इसने भजन बंद कर दिया। अब ये फिर से गन उठा के धक्के खाता हुआ लड़क लड़क के चल रहा है, कहीं वॉर की कहानी चल रही है, मेरे दिमाग में एक स्टोरी चल रही है फिल्म की, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। तो उसने पकड़ा हुआ और चल रहा है, लेकिन पेन गायब हो गया। उल्टा 4 दुश्मन और इसने मार दिए। अब इसको पेन की तकलीफ की फोटोकॉपी बननी बंद हुई। जैसे ही बंद हुई, अचेतन का काम है ठीक कर रहा है, उसे ठीक करना शुरू कर दिया, उसे ठीक करना शुरू कर दिया उसने। और जो इसको 20 घंटे मिले थे वो 20 घंटे फिर ऑन हो गए। आपको भूलना है, आपको बुरा खराब भूलना है। जैसे ही आइबुप्रोफेन लेते हो, पेन किलर है कहने को, कॉम्बिफ्लेम लेते हैं हम, आपका दर्द में आराम हो जाता है। दर्द वही है, पेट के लिए ले ली कॉम्बिफ्लेम, किसी चीज के लिए ले ली, लीवर पे लोड मारती है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए भूल गए 4 घंटे के लिए। 4 घंटे में बॉडी ने हील कर दिया उसे, और आपको पता ही नहीं आपको बॉडी ने हील किया है, कॉम्बिफ्लेम ने हील नहीं किया है। लेकिन कॉम्बिफ्लेम ने भुला दिया, अब आप कैसे भूल सकते हैं? हाय मेरी फैक्ट्री, हाय मेरा काम, हाय मेरा बच्चा, हाय शादी, हाय घर, भूल जाओ। कैसे भूल सकोगे? सबकॉन्शियस भजन कर रहा है। सबकॉन्शियस को जैसे ही आपने बताया फैक्ट्री की तकलीफ है, इमीडिएटली यहां से वाइब्रेशन जाएगी, फैक्ट्री की तकलीफ है, साले रो, कल भी रो तू, कल भी रोएगा, शाम को तेरा ऑर्डर ठीक होगा, 3 दिन में एक ऑर्डर देंगे हम, 4th दिन फिर रुलाएंगे। ये सबकॉन्शियस ने पैटर्न बना रखा है आपकी लाइफ का, और यही होगा। अब आपको इसको भुलाना है ताकि ऑन ही ना हो, बच्चों ऑन ही नहीं होने देंगे हम इसको। आपने खोपड़ी से कुछ सोचा और कह दिया भाड़ में जाए साले, भगवान की मर्जी, अब जो होगा होगा, हमें तो रथ, मैं तो रथ के पीछे बैठ के बाण चलाने हैं। ये फिर आएगा, ये फिर कहेगा, लेकिन लेकिन मुझे तो यही ट्रेंड किया गया है कि फैक्ट्री शब्द बोलते ही हो तो सीधा मन में आपस में बात कर रही है मुन्ना से, बोलना है हाँ तो ठीक है ना, तेरे को जो ठीक लगता कर,
तेरा जो मन करे, मैं फोटोकॉपी नहीं बनाऊंगा, मैं तेरी बात रिपीट नहीं करूंगा। पहले जैसे ही अंदर से विचार आता था, आपका कॉन्शियस और ऑन हो जाता था कि हाँ सारी दुनिया ठग है, बिजनेस में लोग पैसा नहीं देते, दुनिया बहुत खराब है, और भाई साहब हम तो घाटा खाएंगे। अब नहीं आ रहा, अब आप कह रहे हो बाहर में जाए यार, ये तो सारे रोज के ड्रामे हैं मेरे, अब नहीं भरना मैंने, अब मैं काम करूंगा जो इसको सोचना सोचे। बाईपास हो गया सर, एक क्लास में आपने एक्सरसाइज बताई थी, बाईपास हो गया, चेतन अचेतन दोनों अलग। आपका ये ब्लॉक बंद हो गया, ये और ये दोनों जुड़ गए, जिसमें सर गाना बंद, इंटरव्यू से पहले गाना गाना होता है। हाँ, इंटरव्यू से पहले गाना गाना होता है, एक एक्सरसाइज कराई है पहले हमने, बंदे का इंटरव्यू होने वाला है, अब कौन जा रहा है इंटरव्यू देने, कॉन्शियस ब्रेन। हाँ भाई, ये पूछेगा डायरेक्टर मेरे से सामने कि भाई आप बताएं कि इस बार के आपने जो फाइनेंशियल ईयर के प्रोजेक्शन किए हो, क्या करनी है, कैसे करोगे। तो अब ब्रेन सोचेगा, हाँ मैंने इस साल में ये किया था, दो साल पहले का ये था, अगले साल के प्रोजेक्शन ये दूंगा। अब सबकॉन्शियस ब्रेन क्या कह रहा है, अंदर खोपड़ी में क्या चल रहा है, साली प्रमोशन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, साले बॉस को, तो बॉस को ही निकाल दूंगा मैं। अंदर ये चल रहा है, जाने इंटरव्यू देने कोई और गया है, तो आपने क्या करना है, यार ये तो साला खोपड़ी चली जा रही है। ये कहता है बस मेरा तो इंटरव्यू पास, भाई साहब पैसे बढ़ेंगे, अब तो मैं होनोलुलु जाऊंगा, अपना प्राइवेट जेट खरीदूंगा। अंदर चल रहा है, बंदे ने इंटरव्यू देना है, तो क्या करो, गाना गाओ, गाने पे लगा दो उसे, गाना गा लो, आजा सनम मधुर चांदनी, उसको मत सुना देना, बॉस को नहीं सुनाना, आप कोई गाना गाओ। आपका गाना हुआ, ऐसा कई बार होता है, अंदर गाना चल रहा है, आप नहा रहे धो रहे, कहीं मीटिंग कर रहे हैं कुछ बात, गाना चल रहा है साला, अंदर मुन्ना गाना गा रहा है, तो उसको गाना गाने दो, बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड है, शुक्र है, खुश है, मुन्ना अंदर भजन किए जा रहा, गाना गा रहा है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जितना ज्यादा आप क्लेश में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, क्रोध में होते हैं, उतना ज्यादा मुन्ना ताकत लेता है आपके शरीर से। नशा करके सबकॉन्शियस बंद किया जाता है, नशा करके बंद कर दिया जाता है, जैसे ओवर ईटिंग करके लोग नींद में आ जाते हैं, ओवर ईटिंग करके नशा होता है, दूध पी के बच्चों को नशा होता है, सो जाते हैं, ये नशा है, नशे के टाइम ये बंद हो जाता है। लेकिन ओवर ईटिंग का कमांड कौन देता है, ओवर ईटिंग का कमांड पेट देता है, पेट में हंगर पैंग्स आते हैं, जब भी आपके जीवन के अंदर तनाव है, आपकी खोपड़ी में तनाव है, कॉन्शियस ब्रेन तनाव में क्या कर रहे हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा, साला रास्ता नहीं सूझ रहा, नहीं सूझेगा बहुत चीजों का रास्ता। कोई नया एपिसोड आ गया, सबकॉन्शियस ने आज तक कभी पास्ट में हुआ ही नहीं ऐसा इवेंट, आपको सबकॉन्शियस के पास रास्ता ही नहीं है, तो रास्ता कौन निकालेगा, अनकॉन्शियस। लेकिन आपने दिमाग खराब कर रखा है क्योंकि ज्ञान नहीं है, साला क्या करेंगे, तो सारा का सारा ब्लड सप्लाई पेट से निकल के ब्रेन पे आ गया, क्योंकि बॉडी हार्ट कैरियर, हार्ट जिंदा रखती ब्रेन को, ये तो पागल है आदमी, मर जाएगा, इसको यहां फेंको, तो परेशान है दिमाग, उसको भूख नहीं लगी। अब आपने देखा होगा दुख के टाइम परेशानी में भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है, क्योंकि सारी ब्लड सप्लाई तो यहां आ गई, यहां तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं पेट पे, यही दो बड़े स्टेशन है जहां ब्लड की सप्लाई होती है तगड़ी। तो आदमी कहता है, फिर अचानक बॉडी क्या कहती है, कमांड देती है, ये ब्रेन में इतनी ब्लड सप्लाई हो गई है, ब्रेन फट जाएगा, इसको साले को रिलैक्स करो। ब्रेन का, हार्ट का अपना ब्रेन है, हार्ट क्या करता है, इमीडिएटली थोड़े 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 ब्लड को यहां से सप्लाई डाउन करता है, अलर्ट हो गया आदमी, बहुत अलर्ट हो गया है, चार घंटे के बाद ब्लड सप्लाई कम करता है और ब्लड को पेट पे फेंक देता है, और पेट में अचानक भूख लगनी शुरू हो जाती है। अब जैसे ही भूख लगती है, बंदा कहता है भूख लग रही है, कुछ खाऊं, बॉडी देखो कितनी चालाक है, बॉडी का अपना ब्रेन काम कर रहा है, वो उसको खाना खिलाती है, वो खाना खाता है, पेट में खाना जाता है, यहां से खटाक से ब्लड की सप्लाई यहां आती है, तगड़ी सप्लाई आती है, खाना पचाना है, हार्ट का काम है, अब खाना आया यार, और हार्ट चालाकी कर रहा है खुद को बचाने के लिए, यहां पर खूब खाने की सप्लाई के लिए ब्लड आता है और ना ब्रेन शांत हो जाता है। अनोइंगली बंदा कहता है, आराम हो गया यार, इतना तनाव था साला, पता नहीं यार क्या हो रहा था, मेरे तो इतना कोर्टिसोल बन रहा था, फट जाता दिमाग, और वो खाना खा रहा है, उसे पता नहीं है, ये है अनकॉन्शियस, मोटे क्यों होते लोग इसलिए होते हैं, वो अनकॉन्शियसली खा लिया उसने, थोड़ी देर में खाना पच गया, सब कुछ हो गया, 45 मिनट बाद दोबारा से ब्लड कहता है, चलो वापिस चलो, तो पागल है, लड़ता रहेगा दिमाग में अपने आप से, बहस करता रहेगा, टेंशन करता रहेगा बच्चों की, फिर ब्लड सप्लाई यहां आ जाती है। थोड़ी देर में सबकॉन्शियस ब्रेन को पता चल गया कि खाना खाने के बाद ही आराम हुआ था यहाँ, एक महीने दो महीने के पैटर्न के बाद बॉडी का पैटर्न बन जाता है, जैसे ही ब्रेन में तनाव आता है इमीडिएटली हार्ट कहता है सबकॉन्शियस ब्रेन, ओए फटाफट भूख लगा इसको, ये खाना खाएगा, यहां से ब्लड की सप्लाई यहां चली जाएगी और ये शांत हो जाएगा, ब्रेन फट जाएगा नहीं तो। अब उस व्यक्ति को जहां टेंशन होती है भूख लग जाती है इमीडिएटली, और जैसे ही भूख लगती है वो खाना खाता है, बॉडी फैलती जाती है, बिना भूख के खाना कौन खाता है, जवान, वो क्यों खा रही है, पागल है क्या हम, बॉडी का ब्रेन बहुत सॉलिड है, वो कहता है ब्रेन को सप्लाई देनी उतनी ही है ब्लड की, कि फट ना जाए,
इसलिए हमें फालतू की भूख लगती है, हंगर पैंग शुरू हो जाते हैं। तो इसका पैटर्न कैसे चेंज होगा? बस इतना सरकमस्टांस यही है, पैटर्न चेंज करना है। सिंपल सी जानकारी लेनी है कि अच्छा इसलिए होता है ड्रामा, ओहो भाई साहब ये ब्रेन में क्लेश होता है इसलिए, मैंने कॉन्शियस ब्रेन में क्लेश होने नहीं देना। अब मुझे समझ आ गया, मेरे जीवन में आज पहली बार शेयर के बारे में बातचीत हुई है शेयर मार्केट की, और मैंने पिछले 25 साल 30 साल में शेयर मार्केट की बात तो कभी की नहीं, तो मेरे पास इसकी जानकारी रास्ता भी नहीं है। तो अब इसको ठीक कौन करेगा? इसको ये ठीक करेगा। तो ऐसा है, मैंने रास्ता ढूंढना ही नहीं, मरने दे मेरे 10,000 गए गए। मैंने कौन है सर? मैं जो हूँ कि मैं जो परेशान हो रहा हूँ, सारा काम करा रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ, अंदर कर रहा हूँ सब कुछ, जितने शब्द आप लगा सकते हो वो सब मैं ही है। मैं ही हर तल पे रहता है, हमेशा अलग अलग तल पर, सब कुछ मैं ही है। वो आत्मा ही है सारा कुछ, आत्मा उसको चला रही है, आत्मा को कोई लेन देन नहीं, आत्मा मैं को चलाती है। मैं मतलब मैं को चला रहे जो सब कुछ, इस पे क्लास है आई मैं कौन हूँ। देखो इस क्लास को, आप इस पे क्लास की हुई है हमने, आई मैं कौन हूँ, इस पे क्लास देखो ना, मैं कौन हूँ। इसमें हूँ अलग बताया कौन होता है, मैं रोहित हूँ, मैं मोहित हूँ, मैं कौन है, रोहित कौन है और हूँ कौन है। देखो क्लास, मेरे से बात करना, मैं तो 2 घंटे की कहानी कहीं और चले जाएंगे, उसके फर्रे भी नहीं आज मेरे पास। क्या कह रहे थे हम, काम के ऊपर थे, पैटर्न चेंज कर रहे थे। आपका ये पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने इनको भाड़ में भेज दिया कि यार आंसर ही नहीं है तो मैं क्यों पागल हो रहा हूँ। बच्चे की प्रॉब्लम आ गई, बच्चे का काम का प्रॉब्लम, मकान की दिक्कत आ गई, मकान की डील नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, सारा कभी लाइफ में किया ही नहीं इस काम को, पहली बार हो रहा है, अब कैसे सॉर्ट करोगे? कर ही नहीं सकते, लेकिन खोपड़ी लगा रहे हैं कैसे करें, दोस्त से बात करूं, भाई से, ना ना याद आया भगवान को कॉल लगाता हूं, भगवान कहां है पता नहीं कहां है। तो बेवकूफ बनाने की बात बता रहा हूं मैं, ये भगवान को कॉल लगाओ, ऐसी कह दो हवा में, हे भगवान तेरे पे छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया ना, इसने अपने आप ले लिया, जो इन दोनों ने छोड़ दिया वो ले लेगा, नहीं पकड़ी बात, इसने ले लिया निकाल देगा, नए रास्ते की बात निकाल देगा। इनकी वाली बात आ जाती है, ये कॉल लगाई है, कमांड किया हमने, इसे कॉल लगाना कह लो कमांड कह लो, लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को रिलीज कर दिया। लेकिन अगर ये जान के समझ के किया कॉन्शियसली तो चैतन्य हो गए, साक्षी भाव में आ गए, आप जानते हो ये कर लेगा, और ये कर लेगा, कर देगा ये अनकॉन्शियसली, बिना जाने पता नहीं हम क्या क्या कर देते, कहां से ताकत आ जाती है, कहां से पैसा आ जाता है, हम जानते ही नहीं भगवान कहां कहां से पैसा दे देता है, हम जानते ही नहीं कहां कहां अनजाने में हमारी जिंदगी चल भी रही है, अनजाने में एक्सीडेंट बच रहा है, अनजाने में हो रहा है, और अनजाने में ही पाप भी हो रहे हैं, वो ये कर रहा है क्योंकि प्रोग्राम्ड है। फिर हम कहते हैं हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। आपको पिछले जन्म का कुछ याद है? नहीं ना। 4 साल की एज तक का याद है? कोई याद नहीं। क्यों? क्योंकि 4 साल तक डेल्टा था। इस उम्र तक का आपको कुछ याद नहीं होता, यहां याद होना शुरू होता है, बड़े होकर भी आपको ये याद है, यहाँ सबकॉन्शियस मन एक्टिव है, यहाँ सबकॉन्शियस ने लोडिंग लेनी शुरू कर दी, टैंक भरना शुरू हो गया पानी के। टैंक में जब शुरू में थोड़ा सा पानी आता है ना, 1000 लीटर में 10 लीटर पानी आता है, तो वो नीचे नहीं आएगा, उसके थोड़ा ऊपर लगा होता पाइप, उसके ऊपर पाइप होता थोड़ा सा, इसलिए होता है कि गंदगी नीचे जमा रह जाए। तो ये यहां तक रहता है, यहाँ जमा ही कुछ नहीं होता, यहाँ जमा हो रहा है, ये यादें हैं, इसके आगे की भी यादें हैं, यानी कि ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियस क्रिएट हो रहा है। अब आप ये बताओ आपको अपने जीवन के पिछले 10 सालों में क्या क्या याद है? 2-4 बातें याद होंगी, बाकी पता ही नहीं, किस दिन उठे, कब क्या किया, हाँ फिल्म देखी थी, कब देखी थी, देखी थी यार, इतना पता है बस। एग्जैक्ट याद किसे है? जिसका कॉन्शियस ब्रेन सेट है, उसे अपने एग्जैक्ट वर्ड्स पता है, उसे एग्जैक्ट चीजें पता है, और जिसे एग्जैक्ट पता है उसकी ऊर्जा सेट है, 100% ऊर्जा आग लगा देगी, सब कुछ होगा। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, उसको प्रारब्ध 100 करोड़ का मालिक बना के पीटना चाहता है, उस पर भी केस होता है, जेल जाता है, इसलिए उस पर जाओ ही मत। आपका सरलता और सहजता से काम हो रहा है, आप सम्राट हो, आप सम्राट हो, इसलिए। हाँ जी सर, अगर किसी को अपने जीवन में जो भी उसके साथ हुआ बुरा वो सब कुछ याद रहता है, और जो भी हुआ उसके साथ अच्छा वो कभी दिमाग में आता ही नहीं, उसके बुरा इसलिए याद रहता है क्योंकि मेमोरी इस क्लास है, इसके ऊपर मेमोरी क्लास है पूरी, सारी यादें मेमोरी बैंक मुन्ना के पास है, सारी यादें मेमोरी बैंक। इसलिए जब स्त्री कोई बुराई की याद के लड़ाई लड़ती है तो उससे गुस्सा नहीं होना, उसके पास याददाश्त की डबल ताकत है, उसका याद करने का जो ग्लैंड होता है हिप्पोकैम्पस वो दुगने साइज का है पुरुष से, इसलिए उसे याद रहता है। उसे वीक कैसे कर सकते आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना पूछें। याद
ध्यान भूल जाए, अच्छा रखना चाहिए या बुरा? कुछ भी याद नहीं रखना चाहिए, अच्छा और बुरा। मौज करो, आता तो है, ये आता है, ये सबकॉन्शियस है, ये है आपका उत्तर, ये अपने आप आ रहा है। उसको सीधा बोलो, हाँ तो तू याद करता रहे यार, मन में बोलो, तेरे को जो याद करना कर, खत्म। अब आप बोलोगे ना मेरा पीछा छोड़, मेरे को आ गया पीछे आ गया, उसको ये नहीं बोलना, बच्चे को कभी नहीं बोलना, हर दफा यहां से, अब तो वो सुओ लेकर आएगा। आप उसे बोलो ना ठीक है बेटा बैठो यहीं, बस वो लगा रहेगा, वो पजामे का पोंछा पकड़ के खेलता रहेगा आपसे, कुछ नहीं करेगा। फिर आप बोलो पंखे का स्विच बंद मत करना, वो कहता है कर दिया, अब तो जरूर करूंगा। इसलिए उसको बोलना नहीं है, नो वर्ड नहीं डालना, नो नहीं है, छेड़ना ही नहीं, खेलता रहे तू। शेर को नहीं बोलना मुझे मत खा, खा जाएगा, बोले हाँ खा ले तो भी खा जाएगा, उसे कुछ बोलना ही नहीं। सर इसमें क्वेश्चन है, हाँ जी, पिछला कुछ भी याद नहीं रहता तो क्या उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब्ड है या सेट नहीं है? अगर आपको पिछला कुछ भी याद नहीं रहता, आप मेरा भी प्रणाम ले लें और खुद को भी प्रणाम करें, इससे बढ़ के सुख कोई नहीं है। ये याद ना रहे की क्षमता बच्चों में होती है, ये मारा थप्पड़ दो घंटे में फिर मम्मा प्यारी है, पापा प्यार है, भूल सकते हैं हम? साले भूलते ही नहीं हूँ, 6 महीने पहले लड़ाई हुई है, 6 महीने पहले घाटा हुआ है, कहाँ अभी लगे हुए घसीट रहे उसी को लेके, मूड खराब, दिमाग खराब, सब कॉन्शियस इतना ज्यादा पावरफुल है, आपका पेट खराब रहेगा, हमेशा पेट खराब रहेगा। ऑलवेज मनोमय कोष पे 5 चीजें हैं, इसमें मनोमय कोष में हमारा शरीर का गुदा स्थान और मूत्र इंद्रिय, ये साथ में रहती है, इसके रोग शुरू हो जाते हैं। मन का कोई भी क्लेश डालोगे ये होगा ही होगा, हर हालत में आप मन का कोई भी क्लेश डाल, ये प्राणमय और मनोमय का प्राणमय पे होता है ये, हालांकि पर इसमें पढ़ेंगे तो अलग बात होगी। अगर ये ठीक करना है तो अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, ये अंदर गई, नाभि पे टकराई, ये बाहर आई, आकाश में गई, ये 10-10 बार करो योगिक ब्रीदिंग, अंदर सांस पेट बाहर, पेट अंदर सांस बाहर, आपका पेट हील होने लग जाएगा, गुदा स्थान हील होना, एनस ये हील हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और मनोमय कोश ये भी एस्ट्रल बॉडी का हिस्सा है, इसमें आंख, कान, नाक, गला, जीभ और स्किन, इसके सारे रोग, इसकी सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए कोई बात मन पे मत लगाओ, कोई चित्त पे मत लगाओ, कोई अहंकार पे मत लगाओ, लग जाती है हाँ तो उसको बोलो हाँ तो तेरी जिन्हें लगली छोड़ पड़े, कोई बात। आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अलग करके बैठ गए, सबकॉन्शियस बाईपास हो जाएगा, आपको क्लेश बचा हुआ है, मेरे चेहरे पे दाग है, गंदे लगते हैं। अब चेहरे पे दाग होते हैं, गंदे लगते हैं, इसको गंदे लगने की परिभाषा किसके पास है? जो 20-30 साल में सबकॉन्शियस में फीड हुआ है कि दाग गंदे होते हैं, कोई नहीं देखता आपको, सब आपका मजाक उड़ाते हैं। अब आप जब दाग देखते हो अंदर से आवाज आती है मजाक उड़ेगा तेरा, और मजाक उड़ने लगता है अपने आप, फिर कहते हैं आप गंदे लगते हो, आप गंदे लगने लग जाओगे। अब उस दिन आपने सोच रहे चेहरे पे दाग है साले मेरे हैं, मुझे ही गंदे लग रहे हैं, दुनिया को भाड़ में जाए साले, किसको लगते ना लगते, आंख के अलावा देखना कहीं देखो, मेरे सिर के अलावा देखना देखो मेरे बाल नहीं है, मेरे कान के अलावा कहीं देखो मेरा कान ठीक नहीं है, जिसको जहां देखना वहां देखो भाड़ में जाए। आपको सम्मान स्वयं लेना है, आपके लिए ईश्वर काम करके देगा, तब कहीं जाके अचेतन उसको हील कर सकता है, लेकिन अचेतन हील करेगा ही नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस ने टांग अड़ा रखी, तुम तो गंदे हो, बॉस तो होते ही गंदे, ऑफिस में तो होता ही गंदगी का हिसाब किताब है। आप एक ही भजन बार बार मत करो, आइब्यूप्रोफेन लो, मॉर्फिन लो, किस चीज की मॉर्फिन लो, सत्संग की, जो भुला दे आपको जीवन की बातें, या भाड़ में भेज दे, भाड़ में भेज दे फर्स्ट स्टेप, भूल गए रॉकेट। जो व्यक्ति अपने आप, एलन मस्क ने पहला रॉकेट भेजा स्पेस में, बहुत पैसा गया वेस्ट, दूसरा भेजा वेस्ट, तीसरा भेजा उतना ही पैसा बचा था। अब अगर वो तीसरे से पहले कहता यादें लॉस है, वेस्टेज है, घाटा है, बर्बादी है, तो तीसरा भेजता, वो कहता नहीं रख ले, मकान मकान बनाऊंगा, छोटी सी 4 गाड़ी खरीदूंगा, जरा आराम से जीऊंगा, खत्म हो गया। उसने कहा दबागर साले भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हो जाएगा देखी जाएगी, सुषुम्ना ऑन हो गई, थर्ड लास्ट पैसा, आखिरी रॉकेट सफल, आज साला ट्विटर खरीद के बैठ गया। पुराने पास्ट को भूल जाओ, नहीं भूल सकते, याद आता है आने, अब आपको याद आया है उसको ऑब्जर्व करो कि याद आया, मुन्ना को आया भाड़ में जाए, तू याद ना, तू छोड़ दे ना, लड़ना नहीं है, वो ताकत पकड़ेगा। ये जो मुन्ना एक मशीन है, ये हमारे सड़ने कुड़ने पर शक्ति लेता है, ये चाहता है हम सड़े, ये चाहता है हम ईर्ष्या करें, और जब ये पावर लेता है आपके शरीर का बैंड बजाता है। सबके शरीर में रोग होंगे जिस जिसकी ऐसी स्थिति है, ये ठीक होते ही जीवन ठीक होना शुरू होता है। सर पुरानी गलतियों से सीखने का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप अपना पुराना किया हुआ
ये कह रहे पुरानी गलतियों से सीखो, आज से ये भी खत्म कर दो, पुरानी गलतियां थी ही नहीं, खत्म ही हो गई बात। आपको ये पता है कि पुरानी गलतियां हुई हैं, उसी पैटर्न में नहीं भी होंगी, आपसे गलतियां अभी तक हो रही होंगी। पुरानी गलतियां हुई थी 5 साल पहले, वही गलतियां 15 साल पहले भी हुई थी, और वही आज भी हो रही है, क्योंकि पुरानी गलतियां संभाल के रखी हुई है। कोई गलती नहीं थी, उतनी अकल थी मुझे उस समय, दफा करो साला ऐसी की तैसी। ये चेंज दफा कर दिया तो कर्म क्या करें? देखो दफा करो कर्म क्या करें, जब आप दाल बनाते हैं सेम मसाला डालते हैं, हमेशा सेम बनती है, रेसिपी चेंज करो, दाल दाल रहेगी, जीवन बदल गया दाल का। इसलिए हर हालत में जीवन में जान के रखो, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे कुछ लोग हमें मिलते हैं जिनसे हमें दूर से रिश्ता निभाना चाहिए। ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसा कोई दुख, ऐसी कोई याद जिसे दूर से रिश्ता निभाओ, बहुत पास लाने से क्लेश है दूर। आप खुद देखें कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप घर में बिठाते हैं तो प्रेम मिलता है, लड़ाई प्रेम मिलता है, घर में घुसा लो लड़ाई होती है, बालकनी में बिठा दो टेंशन खत्म हो गई ना। आपको पता है पत्नी से बहस होती है, बालकनी में बैठ के बात करो उससे, आप जरूर बेड पे बैठ के वही लड़ मरोगे। आपको पता है कि कुत्ता है, उसे दूर से पुचकारो, उसके मुंह के अंदर हाथ डाल करके चेक करना कितने दांत है, वो खा जाएगा। तो जो चीज आपको खुद देखना है कॉन्शियस ब्रेन से अनप्लेजेंटनेस लाती है उसको दफा कर दो ना, लाइफ से खत्म कर दो। वो बार बार दस्तक देगी, कोई बात नहीं देने दो, उसका काम है, उससे लड़ो मत, तूने दस्तक क्यों दी, हम ये भी नहीं करेंगे। जैसे ही नहीं बोलोगे वो चीज बार बार होगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब मेरे पास कोई केस आता ना, किसी को बड़ा कैंसर भी हो गया कैंसर हो गया, मैं कहता तो कोई बात नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो, तो मरे थोड़ी हो, मेरे पास आए हो जिंदा रहने के कार्यक्रम करोगे, देखते क्या उपाय करने, मरे थोड़ी हो, तो फिर कोई बात नहीं तो कहूंगा क्या कहूं, हाय हाय हमारे भोपाल वाले फूफा जी को भी हुआ था, उनके तो हाथ पांव कट के लाश गई थी, ये बोलूं। कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, भगवान ने बड़ी कृपा की हुई है, बहुत सा जीवन बढ़िया चल रहा है। अचेतन और चेतन को सबकॉन्शियस बाईपास करके काम करने दो, आज के बाद जब भी किसी को गाली बकने का मन करे उस समय याद नहीं रहेगा, उसके 5 मिनट बाद याद आएगा, ओ तेरी फिर गाली बक दी, गुड, अब दूसरी गलती नहीं करो, साली क्यों बक दी, ओ अब फिर पावर पकड़ लेगा, अब 10 मिनट बाद याद आएगा अगली बार, अब बोलो हाँ ठीक है यार अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, अच्छी आ जाएगा। आपके बच्चे का फोन आया, मम्मी ये हो गया, हाँ बेटा बोल, फिर याद आया यार फिर हम टेंशन कर गए, गुड अब 3 मिनट में याद आया, अगली बार 2 मिनट में आएगा, फिर 1 मिनट में आएगा, और उसके बाद जब सारी ऊर्जा अंदर रहेगी साक्षी भाव हो जाएगा। हम तो उसको छोड़ना चाहते हैं, उसकी याद फिर भी आती है, हम उसे छोड़ना चाहते हैं, उसकी याद हमें फिर भी आती है। आप तो पत्नी भी नहीं आई, आप क्या अलाउड है, आपको अलाउड है, इसीलिए साथ नहीं लेकर आते, उसको पता लग जाएगा। हाँ देखो उसको हम छोड़ना चाहते हैं के लिए हमने उसको यहाँ नफरत के लिए जगह दे रखी है, वो आपके जीवन से कभी नहीं जाएगा। मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैंने आपको घर में दिमाग में जगह दे रखी है ना, अब मैंने जगह देनी शुरू बंद कर दी 40%, अब मैं आपसे नफरत शुरू कर दी, अभी भी 40% जगह दे रखी है। तो प्यार था तो भी आप मुझसे मिलते थे, नफरत थे तो भी मिलोगे, गारंटेड मिलोगे, इसलिए बेटर मैं आपको जगह ही ना दूं, मैं नफरत भी नहीं करूंगा, तो आप मेरे जीवन से पता नहीं गायब से हो जाओगे, ये स्वतः होगा। आपने दिमाग में जगह क्यों दे रखी है घाटे को, साले घाटे हो जाते हैं यार, ये तो ये बड़ा कमीना आदमी, इससे मिलते हैं घाटा कराता है, क्यों जगह दे रखी हो कमीने को, सीधा बोलो ठीक है तो अपने घर रहे, हम तो उससे बड़े कमीने हैं, खत्म हो गया। अपनी जगह खुद को देनी है, दूसरे को नहीं देनी, इसलिए अगर उसकी याद आए तो उसके घर चले जाए, ये ना चाहे कि हाय तू ना आए, पति मारेगा, देखो देखो उसका पति मारेगा तो उसके पति को बाईपास कैसे करना है उसके लिए अलग से मिलेगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बाईपास करना है फिर मारी नहीं मिलेगी, फिर सिर्फ प्यार ही प्यार। पॉइंट समझने का है कि हमने ये पहले कमांड दे दी कि उसका पति मारेगा, तो सब कॉन्शियस में फिटेड है, अब पता नहीं प्रकट होएगा वो कहां से आएगा, यही घटनाएं बनती है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में जो हो रहा है हमने सबकॉन्शियसली चाहा है वो प्रकट हो जाता है सामने। आपने डील कर दी प्रॉपर्टी की, कुछ कर दी, फिर आप रो रहे पता नहीं साले पैसे कहां से आएंगे यार, अब हो गई दिक्कत, अब दिक्कत से ही आएंगे, फिर आप कहेंगे ये बड़ा खड़ूस लग रहा है यार, ये जिस बंदे से मकान लिया बड़ा खड़ूस लग रहा है, वो डील होने तक तंग करेगा। आपने क्या कमांड दे, कमांड जो दे दी उसको ऑब्जर्व कर लो, जो दे दी मुन्ना ने कोई बात नहीं, बोले यार ये साला ये फिर सोच बैठा है, खड़ूस बना दिया इसने, गाली बकरा है, चल कोई नहीं तेरी मर्जी, उसी में धूमिल हो जाएगा, उसी में नष्ट हो जाएगा। समय आएगा जब साक्षी भाव में प्रवेश करोगे, कॉन्शियस ब्रेन आपके कब्जे में रहेगा, मुन्ना के नहीं।
तब आपको क्लेश नहीं होगा, तभी आप क्रोध करने से पहले जान जाओगे क्रोध आ रहा है। गुड है, गुड है, क्रोध के बाद याद आता है। कई लोगों को क्रोध के बाद भी नहीं मानते हमने गलती की, उनका तो कॉन्शियस खत्म है, वो तो पूरे जन्म जानवरों की तरह जिए मर गए। एक व्यक्ति को याद आता है दो दिन बाद, फिर को दो घंटे बाद, बाद में उसको होता है सारे में से क्रोध करा रहा है, तो देख में से क्लेश करा रहा है। बहुत ऊंची स्टेज है, बहुत ऊंची स्टेज है, वो क्रोध कर रहा है, लड़ रहा है और बता रहा है तू मेरे से क्रोध करा रहा है। ये अधिकार क्षेत्र की रक्षा है, ये क्रोध भी चाहिए नहीं तो दूसरा वाला खा जाएगा। इसलिए मुन्ना को अपने काम पे लगाओ, बहुत शक्तिशाली है। और जानो क्या जान रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, क्या हम डर रहे हैं, क्या हम रो पिट रहे हैं, क्या हम घबरा रहे हैं। और एक चीज जीवन भर याद रखो, आप जो जानते हो ना वो आपका सबकॉन्शियस जानता है, वो अधूरी जानकारी है। इसलिए ये तड़ी ना मारो, है मुझे सब पता है, हमें उतना ही पता है जो आज तक पता था, जो सीखा है। गुरु रख लो, वो बहुत कुछ सिखा लेगा। कौन सा गुरु रख लो, सारी दुनिया गुरु है। लिसनर बन जाओ, शिष्य बन जाओ, गुरु उठा लेगा। सिख धर्म का मतलब है शिष्य का धर्म, सिख शब्द सिख है शिष्य। आप शिष्य बन जाओ और कृपा मांगो उस परमात्मा से कि सारी दुनिया से सीखने को राजी हो। एक दिन एक गुरु मिलेगा, पकड़ लेगा आपको, वहीं से स्वर्ग शुरू, वहां से सिर्फ पार्टी शुरू। और क्योंकि गुरु लोकेट करेगा आपको, आप शिष्य बनने लायक है, इसलिए सबके शिष्य बनो। बच्चे क्या बनते हैं, प्यारे, सबके ही प्यारे बन जाते हैं। मुन्ना को कौन से काम लगाएं? मुन्ना को सीढ़ी दे दो ना, सीढ़ी दे दो, गाना गा दो, सीढ़ी दे दो, तो सीढ़ी चढ़ उतर बोल दिया करो उसे, वो सीढ़ी उतर के आएगा, थोड़ी देर में बोलेगा अब बोले फिर चढ़ना। प्यार से बच्चे को कैसे टैकल करते हैं, प्यार से करते हैं ना। आपने मुझे कैसे टैकल कर रखा देखो, तो मैं बच्चों को प्यार से टैकल कर रहा हूं, देखो कहीं ना कहीं टैकल हो रहा है ना। ये टैकल है, लगा रखो कोई बात नहीं। बच्चे को लेटा है, किसी ने कुर्सी खिसकाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैंने बोला यार कुर्सी खिसका रहे हो, अगली बार वो कहेगा अब पता चला, ये होगा, उसे भी नहीं पता उसने क्या किया, वो अपने आप होगा, करते नहीं है, ये होता है। हमसे तो गलती हुई, हम कहते गलती हो गई, किसने की गलती, कैसे कर ली, फिर सबकॉन्शियस करवा देता है। हमारे ब्रेन हमें काबू करके चल रहा है, हम उसे काबू करके नहीं चल रहे। जब ये सूत्र पकड़ लोगे जीवन मुट्ठी में होगा, फिर आपको उसकी याद भी आएगी और आप घर भी जा सकते हो, उसके हस्बैंड से मैत्री हो जाएगी, चिंता नहीं करो। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, और जितने लोग आए प्रणाम नमस्कार धन्यवाद प्रसन्न रहो। ओके लव यू, लव यू, लव यू। Thank you.